जगतपुरा 7 नंबर से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पर यह प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। जेडी अप्रूव डुप्लेक्स विला कवर करने वाले हैं जिसमें आपको 6 रूम मिल जाते हैं और पास में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की ये बाउंड्री है। जब सामने हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 4 विला का कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हाउस जयपुर। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो आपकी मेन डिमांडिंग लोकेशन जगतपुरा 7 नंबर से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। और काफ़ी लोग हमें कमेंट कर रहे थे जिनकी फैमिली बड़ी है या फिर जिनको ज़्यादा रूम वाला विला चाहिए और वो भी बजट में, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही जेडी अप्रूव्ड डुप्लेक्स विला कवर करने वाले हैं जिसमें आपको 6 रूम मिल जाते हैं और 133 गज में बना हुआ ये विला है जिसकी डायमेंशन होने वाली है फ्रंट आपका 18.5 का और डेप्थ आपकी 65 के रहने वाली है। तो 133 गज में बना हुआ 6 BHK का ये सेमी फर्निश्ड विला आज हम कवर करने वाले हैं। मेन लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, मेन जगतपुरा 7 नंबर चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। 7 नंबर चौराहा जगतपुरा का एक मेन जो है फेमस लैंडमार्क है। नियर बाई आपको यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मॉल्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में सभी लोगों की जो डिमांड है वो 7 नंबर चौराहे के आसपास है क्योंकि यहाँ पर JNU यूनिवर्सिटी हो गई, VIT हो गया, इसके अलावा जगतपुरा रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये जो आप विला के सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये 30 फीट का रोड है जो सीधा जो है आपको 7 नंबर को कनेक्ट करने वाला है। वहीं अगर हम इस विला में अंदर अगर मैं आपको लेकर आता हूँ तो ये आपको पार्किंग मिल जाती है, हैवी क्वालिटी के आयरन के डबल पल्ले में गेट आपको यहाँ पर मिलते हैं, देख सकते हैं आप। फ्रंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीचे आप टाइल्स पे फोकस करेंगे तो पार्किंग में आपको एक अच्छे टाइल्स दी गई हैं और इसी में पार्किंग में ही आपको वाटर स्टोरेज के लिए यहाँ पर वाटर टैंक मिल जाएगा। नियर बाई आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो जेडी अप्रूव्ड ये विला है, आपका इजीली लोन हो जाएगा। प्राइस क्या होने वाली है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा। ऊपर आप एक प्लेन सी डिज़ाइन देख सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने बैक में यहाँ पर आपको एक स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पर आप एज इसको वॉशिंग एरिया या स्टोरेज के काम में ले सकते हैं। ये हमारे पास में 2 विला है, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा, दोनों विला अभी अवेलेबल है और 2 स्टेयर्स की हाइट पर ये हमने जो है इसका ग्राउंड फ्लोर बनाया है, आप देख सकते हैं। एंट्रेंस गेट की बात करें तो हैवी क्वालिटी के वुडन गेट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं तो फर्स्ट आपको ये गेस्ट रूम मिलता है, जैसा आप देखेंगे एक प्रॉपर जो है बड़ी साइज़ में आपको विंडो मिल जाती है जिससे वेंटिलेशन वगैरह आपका प्रॉपर मिलेगा। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमने ओपन मॉड्यूलर किचन आपको दिया है, स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है और इसी के साथ साथ में फ्रंट आपका 18.5 का रहने वाला है तो पूरा का पूरा एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है हॉल में। यहाँ से आपको स्टेयर्स मिल जाती है जो सीधा का सीधा आपका फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएगी। नीचे आप देखेंगे स्पेस है, आप चाहो तो इसे स्टोरेज के काम में ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर हमने एक कॉमन लेट बाथ आपको दिया गया है, कॉमन लेट बाथ में वेस्टर्न शीट और वॉश बेसिन हमने लगाया हुआ है और यहाँ पर आपको एक हैवी क्वालिटी के वुडन गेट आपको वॉश जो है यहाँ पर वॉशरूम में मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस विला का ये सेकंड रूम है, आप साइज देख सकते हैं दोस्तों, आपको अच्छी खासी साइज में ये रूम मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो छोड़ी गई है तो प्रॉपर वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, बहुत ही बजट में और एक जितनी बड़ी फैमिली हो उनके लिए बहुत ही बेटर प्राइस रहने वाली है। आ जाइए दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारा इस विला के ग्राउंड फ्लोर का 3rd रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी भी जो है साइज काफ़ी अच्छी है। इधर आपको अटैच में वॉशरूम मिल जाता है। इस विला में आपको 6 रूम और 5 लेट बाथ देखने को मिल रहे हैं और हर रूम के साथ में अटैच में लेट बाथ आपको मिलेगा। इधर की साइड हमने एक स्पेस दिया गया है, ऊपर हमने जो है फाइबर सीट से कवर किया हुआ है। इस एरिया को आप एज अ वॉशिंग एरिया काम में ले सकते हैं, प्रॉपर आपको नल के लिए नल का जो है पूरा प्रोविज़न दिया गया है, पानी के निकास के लिए पूरा प्रोविज़न दिया गया है और जेडी अप्रूव्ड ये विला है। साथ में 6 BHK का एक ड्यूप्लेक्स सेमी फर्निश्ड विला आज के वीडियो में हम बता रहे हैं। 2 विला अभी हमारे पास में अवेलेबल है, दोनों के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेडी अप्रूव्ड है, इजीली आपको लोन इस प्रोजेक्ट पे मिल जाएगा।
अगर मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आप सबसे पहले ब्लैक कलर का ग्रेनाइट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील की जो है रेलिंग मिल जाएगी। आ जाइए अब मैं आपको थोड़ा सा फिनिशिंग की, अभी क्योंकि जस्ट कंप्लीट हुआ है न्यूली कंट्रैक्ट जो है ये विला है, तो अभी थोड़ा सा फिनिशिंग की आपको साफ सफाई का थोड़ा सा इश्यू आएगा, लेकिन ये हम आपको जब आप डील करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट रेडी करके दिया जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी ये प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको लेकर आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस हॉल मिलता है, देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छी साइज में, जैसे यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पे किचन था सेम साइज में हमने यहाँ पर हॉल दिया है। मैं आपको सबसे पहले फ्रंट का रूम दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये इस विला का फोर्थ रूम है, देख सकते हैं आप। इसमें आपको बाहर बालकनी मिल जाती है, जैसा आप देखेंगे बालकनी की काफ़ी अच्छी साइज़ है। बाहर आपको टफन ग्लास प्लस स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाएगी। इस रूम में भी आपको अटैच में लेट बाथ मिलता है, और हर लेट बाथ में हमने वुडन गेट का ही यूज़ किया है। यहाँ पर आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिल गया, उधर आप बाथरूम की साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ में आपको बाथरूम मिल जाएगा, जिसमें वेस्टर्न शीट और वॉश बेसिन हमने लगा कर दिया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फिफ्थ रूम की तरफ, तो आ जाइए दोस्तों। इसका जो फिफ्थ रूम है वो ये रहा आपका, देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों इस रूम विला का फिफ्थ रूम है। यहाँ पर भी आप स्पेस देख सकते हैं, और इस रूम के साथ में भी आपको यहाँ पर अटैच में लेट बाथ मिल जाता है, जिसमें वेस्टर्न शीट हमने लगा कर दी गई है। अब मैं आपको इस विला का सिक्स रूम दिखाता हूँ, तो सिक्स रूम में भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो इस तरीके से इस विला में आपको छः रूम मिल जाते हैं, ये इस विला का लास्ट और सिक्स रूम जिसके बारे में हम बात करें। तो स्पेस आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े आपको रूम्स मिलते हैं। 133 गज में ड्यूप्लेक्स में छः रूम दोस्तों आप लोगों के लिए निकाले हुए हैं। इस रूम में भी आपको यहाँ पर अटैच में लेट बाथ मिल जाए, प्रॉपर आपको वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, अलमीरा हमने यहाँ पर लगा कर दी गई है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा टूर था जो है इस विला का। अब मैं आपको इस विला के टाइल्स पे लेके चलता हूँ। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी बसावट के बीचों बीच में ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। जैसे आप वहां पर जो क्रेन देख रहे हैं, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो जस्ट वो जो क्रेन है 7 नंबर चौराहे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आप देख रहे हैं 7 नंबर चौराहे से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पर ये आपका प्रोजेक्ट है। हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस आपकी रहने वाली है। आपको यहां पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, पानी से रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं है, रोड से रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी से रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहां पर आपको रात को 11-12-2 बजे तक सारी सुविधाएं जो आप चाहते हैं इमरजेंसी में, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है नियर बाई आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। आपको अगर मैं एयरपोर्ट दिखाना चाहूं तो यहां से जस्ट पास में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की ये बाउंड्री है। अगर अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट की जस्ट बाउंड्री है तो कहीं ना कहीं रिस्क है, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एरिया है, JDA अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के प्लान में है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनेक्टिविटी अच्छी है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, तो आपको इजीली लोन की फैसिलिटी भी यहां पर मिल जाती है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे विजिट करना है तो आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको डील करनी है तो आप पहले विजिट कीजिए, उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट है तो वो क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप डील कीजिए। इजीली आपको सभी बैंकों से लोन मिल जाएगा, तो जिन लोगों के पास में कम बजट है वो भी जो है इस प्रोजेक्ट पे डील कर सकता है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी प्राइस मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप चेकआउट करेंगे तो मैं आपको विद साइजेस सारे रूम्स के डायमेंशन क्या है, इस प्लॉट के साइजेस क्या है, सब कुछ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद प्राइस। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट सामने हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे कि यहां पर हमने 4 विला का कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया हुआ है, तो अगर आप इन विला पर भी डील करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अभी ओपन है, आप इन विला के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।